सात संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ, तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। सात संगत जी, सरोज जी सोफे पर बैठी थी कि फ़ोन की घंटी बज उठी। सरोज जी ने अपनी बहू को आवाज़ देते हुए कहा कि रितु, देख जरा किसका फोन है। सरोज जी की बहू रितु रसोई में आटा गूंथ रही थी। वो हाथ धोकर जल्दी से आती है, फोन उठाकर सुनती है। उधर से वीना की आवाज़ सुनकर खुश हो जाती है और कहती है कि अरे वीना, आज तुझे कैसे याद आ गई। तो वीना ने कहा कि अरे, मेरे पति का ट्रांसफ़र तेरे शहर में हो गया है, तो हम 2 दिन के बाद वहाँ आ रहे हैं, अब तो हम मिलते रहेंगे। तो रितु ने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल। फिर कुछ देर बाद बात करके वो फ़ोन रख देती है। तो रितु की सास ने पूछा किसका फ़ोन था। तो रितु ने कहा कि माँ जी, मेरी सहेली वीना का फ़ोन था, उसके पति का ट्रांसफ़र यहाँ हो गया है, तो मिलने आने की बात कह रही थी। सासू माँ ने कहा कि ठीक है, अब जल्दी से खाना तैयार कर ले, सबको भूख लगी होगी। और फिर रितु रसोई में चली जाती है। कुछ देर के बाद खाना टेबल पर लगाकर रितु सभी को आवाज़ देती है। रितु की एक ननद, एक देवर, सासू माँ और ससुर जी थे। रितु की ननद कॉलेज में फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रही थी और रितु का देवर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। रितु को सारा दिन काम से फुर्सत नहीं मिलती थी। रितु के सास ससुर को सुबह 6 बजे चाय पीने की आदत थी और रितु की सास ने कभी चाय खुद नहीं बनाई, रोज सुबह चाय उनके लिए रितु ही बनाती थी। और फिर कभी उसकी ननद तो कभी देवर, जिस भी समय वो कॉलेज से आते थे, रितु सभी को गर्मा गर्म खाना खिलाती थी। अगर गिनती की जाए तो रितु के घर में कुल 6 सदस्य थे, लेकिन उनके घर का चूल्हा पूरा दिन चलता था। कभी कभी इस बात पर रितु को बहुत गुस्सा आता था, लेकिन वो सोचती थी कि मैं अपना गुस्सा किस पर निकालूं। अगर कभी रितु अपने पति राकेश को कुछ कहती तो राकेश का जवाब होता कि मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे और भी बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। रितु की शादी को 3 साल ही हुए थे, पर कभी कभी रितु को लगता था कि जैसे वो उम्र कैद की सजा काट रही हो। पूरा दिन रसोई, कभी कपड़े, कभी बर्तन। रितु ने सोचा कि अगर इस घर पर संतान का जन्म हो जाए तो मैं काम कैसे संभालूंगी। रितु काफ़ी दिन पहले अपने परिवार के साथ एक पिकनिक पर गई थी। वहाँ से आने के बाद रितु ने अपने मन में ये निश्चय कर लिया कि वो दोबारा कभी भी घूमने जाने की बात नहीं करेगी। असल में हुआ ये था कि जिस दिन रितु ने पिकनिक पर जाना था, उस दिन रितु की सास ने रितु को सुबह 5 बजे जगा दिया। तो रितु ने अपनी सास को कहा कि माँ जी, पिकनिक पर तो हमें 10 बजे जाना है, आपने मुझे 5 बजे क्यों उठा दिया। तो रितु की सास ने कहा कि अरे, अगर 10 बजे ही सोकर उठोगी तो काम कौन करेगा। ऐसा करो, आलू की सूखी सब्जी बना लो और पूरी निकाल लो, चाय की थर्मस ठंडे पानी के बर्तन भर कर रख लो, पूरी के साथ साथ सुबह चाय नाश्ते के लिए सैंडविच भी बना लेना, क्योंकि बाहर का खाना बहुत महंगा होता है। ऐसा कर, काम शुरू करने से पहले मुझे 2 कप चाय बना दे। चाय पीकर रितु की सास और ससुर जी तो दोबारा सो गए, लेकिन रितु बेचारी रसोई के कामों में अकेली लगी रही। जब उसने देखा तो सुबह के 8 बज गए थे और घर के सभी सदस्य उठ चुके थे। सारा काम रितु ने कर लिया था। फिर रितु ने सबके लिए नाश्ता बनाया। रितु तो पिकनिक पर जाने से पहले ही इतना थक गई थी कि रितु ने अपनी सास को कहा कि माँ जी, मेरे सर में दर्द हो रहा है, आप लोग चले जाइए। तो रितु की सास ने कहा कि ठीक है, तुम आराम कर लो और जा नहीं रही हो तो घर का सारा काम कर लेना, कपड़े धो लेना, सफाई कर लेना, रात के खाने की तैयारी भी कर लेना। सच में
उस दिन ऋतु अपने परिवार के पिकनिक पर जाने के बाद 1 घंटे तक रोती रही। किसी ने एक बार भी ऋतु से ये नहीं पूछा कि क्या बात हो गई, तुम इतना थक क्यों गई हो, हम थोड़ा देरी से चल लेते हैं, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, या फिर हम किसी और दिन पिकनिक पर चले जाएंगे। पर नहीं, ऋतु के परिवार के लोग उसे छोड़कर पिकनिक पर चले गए। ऋतु का मायका उसके ससुराल से काफ़ी दूर था, 5 घंटे का रास्ता था। साल भर में केवल 2 दिन के लिए ही ऋतु का जाना अपने मायके में ही हो पाता था। ऋतु समझ नहीं पा रही थी कि वो कैसे इन परिस्थितियों को संभाले, जिससे कि थोड़ा सा समय वो अपने लिए भी निकाल सके। 1 सप्ताह के बाद ऋतु की सहेली वीना ऋतु से मिलने के लिए आती है, तो ऋतु उसे देखकर बहुत खुश होती है, उसके लिए चाय नाश्ता बनाती है। ऋतु की सास सरोज जी ऋतु से कहती है कि जा अपनी सहेली को अपने कमरे में ले जा, वहाँ आराम से बातें कर लेना। तो ऋतु ने कहा कि ठीक है माँ जी। ये कहकर दोनों सहेलियाँ कमरे में आ जाती हैं और चाय पीने लगती हैं। इतने में ऋतु की ननद कॉलेज से आ जाती है और कहती है कि भाभी मुझे चाय पिला दो, और हाँ उससे पहले 1 गिलास ठंडा पानी भी मेरे लिए ला देना। तो ऋतु ने अपनी सहेली वीना को कहा कि तुम बैठो, मैं बस अभी आई। ऋतु चाय बनाकर ननद को दे आती है। फिर ऋतु और वीना चाय पीकर बातें करने लगती हैं। इतनी देर में ऋतु का देवर आ जाता है और वो कहता है कि भाभी मेरे लिए शिकंजी बना दो। फिर ऋतु अपनी सहेली वीना से कहती है कि मैं 2 मिनट में ही आती हूँ। ऋतु अपने देवर के लिए शिकंजी बनाने चली जाती है। फिर कुछ देर के बाद जब ऋतु कमरे में आती है तो वीना उससे कहती है कि ये तुमने सभी को क्या आदत डाल रखी है, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम घर का काम करती हो, लेकिन कभी अगर तुम व्यस्त हो तो ऐसे छोटे छोटे काम तुम्हारे घर के सदस्य खुद भी कर सकते हैं। तो ऋतु ने अपनी सहेली को कहा, कर तो सकते हैं पर किसी को आदत ही नहीं है। तो वीना ने कहा, क्यों, जब तुम इस घर में नहीं आई थी तब भी ये लोग अपना काम खुद ही करते होंगे ना, इन लोगों की आदत इतनी बिगड़ी हुई है, कल को जब तुम्हारा परिवार बढ़ेगा तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तुम अपने परिवार के सदस्यों से कुछ बात करो और उनसे सहायता ले लिया करो, ताकि परिवार में सुख शांति और प्यार का माहौल बना रहे। फिर वीना ऋतु से कहती है कि चल अगले सप्ताह हम कहीं घूमने चलते हैं, बिल्कुल पहले की तरह, मुझे कुछ खरीदारी भी करनी है। तो ऋतु ने कहा, मुझे मेरी सास से पूछना होगा। तब वीना ने कहा कि मैं उनसे बात कर लेती हूँ। तो वीना कमरे से बाहर आकर कहती है कि आंटी जी, एक दिन ऋतु को मैं अपने साथ क्या बाजार ले जा सकती हूँ, ये जगह मेरे लिए नई है, मुझे घर के लिए कुछ खरीदारी करनी है। तो ऋतु की सास ने कहा, ठीक है ऋतु तुम्हारे साथ चली जाएगी। फिर कुछ दिन के बाद वीना अचानक से फ़ोन करती है और कहती है कि ऋतु आ जाओ, मुझे खरीदारी करनी है। अब मजबूरी में ऋतु की सास को ऋतु को भेजना पड़ा। तो दोनों सहेलियां बाजार में जाकर खूब खरीदारी करती हैं, मॉल में घूमती हैं। तो ऋतु ने वीना से कहा कि मुझे देर हो गई है, घर पर सभी भूखे बैठे होंगे। तभी वीना ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, तेरे परिवार के लोगों ने खाना खा लिया होगा। फिर ऋतु को भी लगता है कि 2 महीने में एक ना एक दिन तो अपने लिए निकाल ही लेना चाहिए। ऋतु अपने आप को तरोताजा महसूस कर रही थी। वीना को छोड़ डरते डरते ऋतु घर वापस आती है, पर देखती है कि घर में सारा काम हो चुका था, सब बैठकर फिल्म देख रहे थे। तो ऋतु ने कहा कि माँ जी मुझे थोड़ी देर हो गई। तो ऋतु की सास ने कहा, कोई बात नहीं, तेरी ननद ने और मैंने खाना बना लिया था। अब तो ऋतु ने भी आदत बना ली थी, काम को वो कभी भी मना नहीं करती थी, पर अगर ऋतु के हाथ में कोई काम होता था तो वो दूसरे सदस्य से कह देती थी कि मैं अभी ये काम कर रही हूँ, आप अपना काम खुद कर लीजिए। 1 महीने तक तो ऋतु की ये आदत सभी को थोड़ी अजीब सी लगी, कभी किसी को गुस्सा आ गया तो 1-2 बार कहाँ सुनी भी हो गई, लेकिन फिर धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। सच
जो छोटे छोटे काम करने में ऋतु का पूरा दिन निकल जाता था, अब ऋतु को अपने लिए भी थोड़ा समय मिलने लगा था, क्योंकि ऋतु समझ चुकी थी कि अगर सभी मिलकर घर के काम करेंगे तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होगा, और फिर सभी प्यार से भी रहने लगे। ऋतु ने अपनी सहेली वीना से मिलकर उसे धन्यवाद किया। साथ संगत जी, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या ऋतु की सहेली वीना ने उसे जो सलाह दी थी वो सही थी या नहीं। अपने विचार ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी आप सभी से एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।